तो आपको मिलवाता हूँ दुबई वाले बच्चों से जो नए आए हैं, तो देखते हैं उनसे। हाँ जी भाई, कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। इंडिया से अच्छा है या कैसे है, कुछ बताओ उसका डिफरेंस क्या है? इंडिया से अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन देखे बहुत बढ़िया है। हर आदमी आप दूसरे को नुकसान न पहुंचाने के बजाय दूसरे को बेनिफिट ही देना चाहता है। और घर में अपने बनी पकाई खाने, तो यहाँ पर अब रोटी बना रहे आप, तो आपको कैसे फील हो रहा है यहाँ पर? अब वाइफ की याद आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कभी उसको हमने डांटना है, ऐसे करना वैसे करना, पता लग रहा है कहाँ से पता रोटी लग टेढ़ी रहा है। बनती है, नमक ज्यादा बिल्कुल कम ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे तो हमने बहुत नखरे किए हुए हैं। यहाँ आके पता चल रहा है कि वो नखरे अपने दम पे नहीं होते, दूसरों के दम पे किए जाते हैं। सही बात, ये हमारी रोटी बन रही है। तो कोई मैसेज जो इंडिया में से नहीं भेजना चाहते हैं यहाँ पर, उनके लिए कोई मैसेज दो आप? वैसे मैसेज मैं संदीप को देना चाह रहा हूँ, मेरा फ्रेंड है, वो आना चाह रहा है, तो उसको कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी आए, ताकि दोनों भाई मिलके हम यहाँ पे काम ढूंढ सकें और अच्छी जॉब कर सकें। दो का बहुत फायदा होता है, हम दोनों एक ही लाइन से हैं, दोनों एक साथ जाएंगे, एक साथ जॉब ढूंढेंगे, तो थोड़ा और कितने मंथ का वीजा लेके आना चाहिए? 3 मंथ का वीजा कम से कम लेके आना चाहिए। तो 1 मंथ के वीजे पे नहीं आना चाहिए, यहाँ आके फिर कुछ भी नहीं हो पाता। बंदा सोचता ही रह जाता है कि मैं 15 दिन में क्या करूँ, 10 दिन में क्या करूँ, और वापस कब जाऊँ। ये हम दाल बना रहे हैं। ये हमारी रोटी भाई, देखिए अद्धी कच्ची यहाँ पकी है। ये है दुबई लाइफ, ये ही फ्रॉम केरला भाई। तमिलनाडु। गिव टू, हाँ गिव टू सम मैसेज फॉर विजिटर पर्संस। हाँ, विजिटर है या कम एंड सर्च जॉब, यू विल गेट इट। यस, थैंक यू।